आपको बताएं, एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार खावर मानिका के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस खबर की दीगर तफसीलात हमें देंगे, हमारे साथ मौजूद है शहबाज शाहीन, हमारे नुमाइंदे। जी शहबाज। जी बिल्कुल, खावर मानिका को एंटी करप्शन पुलिस ने सीनियर सिविल जज इब्रार अली खान की अदालत में पेश किया गया था। एंटी करप्शन वकला की जानब से 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की अदालत से इस्तदा की गई, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। सीनियर सिविल जज की अदालत की जानब से तफ्तीशी अफसर से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड के दौरान होने वाली तफ्तीश के बारे में पूछा तो तफ्तीशी अफसर से सवाल किया गया तो तफ्तीशी अफसर का कहना था कि 8 रोजा जिस्मानी रिमांड के दौरान मुल्जम का 161 का बयान लिखा है। सीनियर सिविल जज की जानब से प्रोसिक्यूशन के वकला और मुल्जम के वकला को दलाइल देने के लिए रोस्टम पर बुलाया गया, जो दोनों तरफ से वकला ने दलाइल दिए। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुल्जम खावर मानिका को जुडिशियल हवालात कर दिया और एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। मैं यहाँ आपको ये बताता चलूं कि एंटी करप्शन के ऑफिसर्स और वकला के इतने ठोस शवाहिद पेश न कर सके, इसकी वजह से रिमांड की इस्तदा न कर सके। एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार खावर मानिका की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। अपडेट कर रहे थे शहबाज शाहीन, बहुत शुक्रिया आपका। आम खबरों